दोस्तों, झारखंड में अनोखे जलाशय मौजूद हैं। झारखंड के श्रेष्ठ जलाशय में सभी अपनी अपनी एक खूबी है, जिस कारण वह लोकप्रिय है। उन्हीं में से एक लोकप्रिय जलाशय तेनुघाट डैम है। तेनुघाट डैम मुख्य रूप से पूरे एशिया में प्रचलित है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसके मिट्टी की सीमा। इसकी सीमा चारों ओर से मिट्टी की ही है, जो इस डैम को काफ़ी खास बनाती है। तेनुघाट डैम बहुत ही अनोखा डैम है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। दामोदर नदी पर बने इस तेनुघाट डैम को लोग दूर दूर से निहारने आते हैं। दामोदर घाटी, जो कि दामोदर नदी और इसके सहयोगी बराकर नदी के ऊपर है। तेनुघाट की विशेषताएं बताई जाए तो सन 1959 के मध्य में तिलैया कोनार, मैंथन और पंचेत डैम का निर्माण किया गया था, जिसका संचालन दामोदर घाटी परियोजना द्वारा किया जाता है। लेकिन 1973 करीब एक साल में बने इस तेनुघाट डैम का संचालन झारखंड सरकार द्वारा स्वयं किया गया था। डैम का निर्माण मुख्य दो कारणों से हुआ था। पहला कि इसे बोकारो स्टील प्लांट को जल संचार हो सके, और साथ ही साथ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में पानी का सप्लाई हो सके। अगला कारण है तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को जल की आपूर्ति करना। तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट को जल की आपूर्ति करने में तेनुघाट डैम का बहुत ही बड़ा सहयोग है। तेनुघाट डैम के किनारे पर बसा तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट पूरे झारखंड के साथ साथ बिहार को भी बिजली की आपूर्ति करता है। तेनुघाट डैम झारखंड में बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तेनुघाट डैम तेनुघाट नामक स्थान के सामने अवस्थित है। तेनुघाट डैम की खूबसूरती वाकई में बहुत ही आकर्षित करने वाली है। तेनुघाट डैम के फाटक के किनारे किनारे एक खासी पिकनिक स्पॉट बन जाता है, खासकर जब वहां भारी बारिश के कारण सभी फाटकों को खोलने पड़ता है। वह दृश्य सभी को अपनी ओर खींच लेता है। उस समय के विशाल वाहन को देखने के लिए दूर दूर से लोग शामिल होते हैं, साथ ही साथ इसके आसपास के खूबसूरती को निहारने आते हैं लोग। ज़्यादातर लोग ठंड के दिनों में और नए वर्ष की खुशी में लोग इसे बेहद ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बना देते हैं। नए वर्ष की खुशी में भारी मात्रा में लोग यहां आते हैं और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का उपलब्ध उठाते हैं, पिकनिक का आनंद लेते हैं। दोस्तों, कई लोग जो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं खूब मस्ती करते हैं और अंत में एक काम भूल जाते हैं। यहाँ की साफ सफाई के बारे में बहुत कम को ही ख्याल आता है। खाने पीने के बाद होने वाली गंदगी को ऐसे ही छोड़ चले जाते हैं, जो कि प्रकृति पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों से एक यही विनती है कि आप लोग कहीं भी ऐसी जगहों में घूमने जाए तो जितना कोशिश कीजिए कि गंदगी ना फैले और आगे भी लोग खूबसूरती का मजा ले। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, और यहाँ के बारे में जान के आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और
मेरे चैनल पर ऐसे ही हमेशा बने रहिए, मुझे प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। आप लोग मुझे ऐसे ही देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जल्दी जल्दी जाइए उसमें मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि मैं आगे और किस टाइप का वीडियो बनाऊं और कहां वीडियो बनाऊं, कैसा व्यू आप लोग देखना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। दोस्तों दोनों वीडियो देख के बताओ कि आप लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा